नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में पुणे वाला फिनकॉर्प से मेडिकल इक्विपमेंट लोन लेना सिखाऊंगा। दोस्तों मेडिकल इक्विपमेंट लोन आप जो है कि घर बैठे बहुत आसानी से ले सकते हैं पुणे वाला फिनकॉर्प से। बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर फ्लेक्सिबल टेन्योर के साथ में आपको जो है कि लोन प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको जो है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, अगर आप जो डेंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, अगर आप जो है कि आपके मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप यहां से मेडिकल इक्विपमेंट लोन ले सकते हैं और आप खुद का आपको हॉस्पिटल यानी कि क्लिनिक खोल के उसमें मेडिकल इक्विपमेंट आप बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए आपको जो कि पैसा कौन देगा, पैसा पुणे वाला फिनकॉर्प आपको प्रोवाइड कराएगा। बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर आपको जो है कि यहाँ पर अप टू 10 करोड़ रुपये तक आप जो है कि यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो यानी कि आपका जो है पूरा का पूरा हॉस्पिटल यहाँ से आप खड़ा कर सकते हैं। अगर आप जो है कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तब भी आप जो है कि यहाँ से काम करवा सकते हैं। यानी कि हेल्थ केयर में आपका जो है कि इंडस्ट्री में आप नाम कमाना चाहते हैं तो ये आपकी जो है कि आपकी हेल्प करेंगे। आप जो है कि यहाँ से हैवी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि आपको मेडिकल इक्विपमेंट लोन बहुत आसानी से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रहेगा 10 करोड़ तक लोन रहेगा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहेगा यहाँ पर। तो चलो हम बढ़ते वीडियो में आगे को हम जो है कि इसमें कवर करेंगे इसका ओवरव्यू क्या है और उसमें इंटरेस्ट रेट आपको क्या देखने को मिलेगा, फीचर एंड बेनिफिट क्या है, उसके बाद में आपको जो है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा और हम जो है कि इसमें लास्ट में अप्लाई करके मैं आपको बताऊंगा। तो चलो बढ़ते वीडियो में आगे की ओर, आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट लोन यहाँ पर आ रहा है, गेट इक्विप्ड टू एंश्योर हाई क्वालिटी मेडिकल केयर, ठीक है। यहाँ पर 10 करोड़ तक आप जो लोन ले सकते हैं, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर के साथ में यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम जो है कि आगे बताऊँ मैं आपको, तो हम जो है कि अभी ओवरव्यू कंप्लीट करते हैं, फीचर बेनिफिट इक्विपमेंट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर दिखा के आपको जो है कि यहाँ पर अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो गेट मेडिकल इक्विपमेंट लोन हेल्थ केयर इक्विपमेंट फाइनेंस अप टू 10 करोड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिफोर बिगिन विथ योर लोन जर्नी हैव व्हाट यू नीड टू नो, ठीक है। यहाँ पर जो कि बता रखा उन्होंने सब कुछ उनके लोन के बारे में। तो यहाँ पर हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आप हैं तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप जो यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसमें कौन कौन ले सकता है, डॉक्टर, डेंटिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, ETC आप जो कि यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब जो कि यहाँ पर आगे हम बताएं तो उनका खुद का क्लिनिक के लिए भी आप जो कि यहाँ से लोन ले सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आप जो हॉस्पिटल बना सकते हैं उसका बड़ा अच्छा खासा। अब यहाँ पर वाई चूज पुणे वाला फिनकॉर्प बता रखा है आपको जो कि यहीं से क्यों लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोई और भी अदर भी बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट लोन, बट पुणे वाला फिनकॉर्प में ऐसा क्या है खास है जो आप यहाँ से लेना चाहेंगे। यहाँ पर आपको जो है 10 करोड़ तक यहाँ पर मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ में यहाँ पर लोन मिल जाता है। कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट भी आपको जो कोई ज़्यादा नहीं रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में लॉन्गर रिपेमेंट टेन्योर यानी कि 84 महीने तक आप जो कि यहाँ से रिपेमेंट टेन्योर बनवा सकते हैं, कोई भी ना चार्जेस नहीं रहेगा। अदर जगह ऐसा रहता है कि यहाँ पर आपको जो है कि बहुत सारे चार्जेस वो बाद में लगा देते हैं या पहले भी बता देते हैं आपको, तो वो आपको जो है कि महंगा पड़ जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, सेल्फी प्रोसेस, ठीक है, फास्ट अप्रूवल रहेगा। तो ये चलो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट आपकी बात करें तो आप देख सकते हैं 9.99% का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल रहा है। इतने कम इंटरेस्ट रेट में आपको जो कि कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है यहाँ पर, बहुत अच्छे यहाँ पर जो है कि पुणे वाला फिनकॉर्प की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। रिपेमेंट टेन्योर की बात करें 1 साल से 7 साल तक आप जो कि यहाँ से रिपेमेंट फ्लेक्सिबल रिपेमेंट करवा सकते हैं। फ्लेक्सिबल मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, फ्लेक्सिबल इसलिए कि आप जो कि जब भी चाहे तब इस लोन को क्लोज करवा सकते हैं बिना किसी चार्ज के, ठीक है। अगर आपको जो है कि आपने सोचा है कि 3 साल में मेरे पास में 7 करोड़ 10 करोड़ रुपये आ चुके हैं तो आप जो है कि इसे क्लोज करवाना चाहते हैं तो आप जो कि एक साथ सारा का सारा क्लोज करवा सकते हैं, कोई भी आपको जो है चार्ज नहीं लगेगा। मेन श्योर्स पुणे वाला फिनकॉर्प होना चाहिए। एग्जांपल यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं 30 लाख का लोन ले रहे हैं, 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो उसके मतलब 5 साल का है ले रहे हैं आप, तो EMI आपकी जो आएगी वो 63,316 रुपये पर मंथ की EMI आपको आएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, समझ लेना है आपके हिसाब से। अप्लाई करने की प्रोसेस यहाँ पर बता रखा है, अप्लाई ऑनलाइन प्रोफेशनल, आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है, उसके बाद इक्विपमेंट डिटेल्स आपको डालनी है, आपको क्या लेना है, क्या क्यों ले रहे हैं वो भी रीज़न भी आपको बताना होगा, वेरिफिकेशन होगा और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और मतलब आपके जो भी इक्विपमेंट रहेगा उनको फाइनेंस हो जाएगा। मेडिकल इक्विपमेंट लोन वेरियस पर्पज़ यहाँ पर जो है कि यहाँ पर वेरियस पर्पज़ के साथ में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल इक्विपमेंट लोन हॉस्पिटल, मेडिकल इक्विपमेंट फॉर डॉक्टर, इक्विपमेंट फॉर डेंटिस्ट, इक्विपमेंट फॉर लेबोरेटरी, आप लेबोरेटरी बढ़ा सकते हैं आपकी, अगर आप जो कि लेबोरेटरी है आपके पास में तो आप जो कि उसमें इक्विपमेंट बढ़ा सकते हैं और आपकी इनकम को दोगुना कर सकते हैं।
उसके बाद में यार देखिए इनसाइटफुल मेडिकल इक्विपमेंट लोन ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, जो कि इनको पढ़ के आप अच्छे समझ सकते हैं। चलो मैं फीचर एंड बेनिफिट में आ जाता हूँ। फीचर एंड बेनिफिट हमने जो कि पहले से इसमें अच्छे से देख ही लिया है, यानी कि जो हमने अभी अभी देखा है सभी इसमें वही रहेगा। इसमें हायर अमाउंट बता रखा है, क्यूब डिस्पर्सल है, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद फ्लेक्सिबल टेन्योर एंड नो एडन चार्जेस, ठीक है। एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं जो कि खास है हमारे लिए, क्योंकि क्या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे तो आपका जो कि यहाँ पर लोन नहीं मिल पाएगा। तो हम जो कि कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर हम करवा सकते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट है एज में आपको बताऊं तो आपकी जो कि 25 साल से 65 साल आपकी एज होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में जो कि MBBS, MDS, MD, MS जो भी आप डॉक्टर वगैरह है, एक साल का आपके पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड फॉर अदर 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर जो है ये है आप, इनको इनमें आपको जो है एक साल का ही मिनिमम रहेगा एक्सपीरियंस। इनमें जो किसी इनसे अदर है आप डेंटिस्ट वगैरह, तो आपको जो है यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन और क्लियर कर लेते हैं हम। डॉक्यूमेंटेशन सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर जो है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेसिडेंस एड्रेस में आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह चल जाएगा, बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपको बताना होगा, उसमें भी आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट का काम हो जाएगा। फॉर्म कंपनी आपको बतानी होगी ये, जिसमें आपको बिजनेस एड्रेस वगैरह सब कुछ बताना होगा। उसके बाद में प्रोप्राइटरशिप है या फिर क्या है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। रेसिडेंस एड्रेस में भी आपका जो कि एग्रीमेंट वगैरह से काम हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट आपको जो है कि यहाँ पर लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। और उसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपको डिग्री सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। हम जो है कि आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर जो है खास है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा पैसा दोगुना हो जाए। तो यहाँ पर हम जो कि इंटरेस्ट रेट हमने देख लिया 9.99% से स्टार्टिंग है इनका। प्रोसेसिंग फीस वगैरह यहाँ पर जो है कि भी लेवी मिनिमम फी, यहाँ पर मिनिमम फी लगती है बस, आपको कोई ज़्यादा फी नहीं लगेगी, ठीक है। हैंडल लोन प्रोसेसिंग फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन का कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ, बस थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस आपको लगेगी। लेट फी पेमेंट पेनल्टी यहाँ पर बता रखी है, जो कि आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। पेनल इंटरेस्ट आपको जो 3% लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि पर 1000 पर बाउंस, अगर आप जो कि बाउंस करते हैं तो पर आपको जो है कि मंथ 1000 का यहाँ पर बाउंस चार्ज लग सकता है, ठीक है। अदर चार्ज यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप जो है कि इसमें देख लेना, जो भी है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज आपको जो है कि हर एक सिटी का अलग अलग रहता है, 500-700 के अराउंड। लेट फी हमने 3% हमने बता दिया है। रीपेमेंट चार्ज, फोर क्लोजर चार्ज मैंने बताया 0% है। अगर आप जो कि यहीं से करते हैं, अगर कहीं और से करते हैं 4% का आपको जो कि फोर क्लोजर चार्ज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, EMI कैलकुलेटर आप जो कि अच्छे से देख लेना, आपको कितना EMI कैलकुलेटर और कितनी लोन आपको चाहिए, इसमें कितना आपको जो कि लोन इंटरेस्ट लग रहा है उसके हिसाब से आप जो कि यहाँ से देख लेना, ठीक है। आप जो कि इंटरेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, साल कितने साल करना चाहते हैं, और जो कैलकुलेट कर लेना, आपको जो कि यहाँ पर EMI आ जाएगी पर मंथ की, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई का, आप FAQs भी देख सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी है आपकी। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एप्लीकेंट टाइप, सिंपली आपको जो एप्लीकेंट टाइप सर्च करना है इंडिविजुअल। उसके बाद में आपको जो प्रोफेशन सर्च करना है MD, MS कुछ भी, आप या फिर डेंटिस्ट है तो जो भी आप सर्च करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कि मैं कुछ एक लगा देता हूँ आपको एग्जांपल के, आप खुद को पता है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, तो आगे की प्रोसेस में आपको नहीं बता पाऊँगा, बट फिर भी मैं आपको जो आगे प्रोसेस में बता दूंगा कि आपको क्या होगा इसमें आगे। फर्स्ट आपको जो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, OTP यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद जो है कि यहाँ पर email ID और पैन कार्ड नंबर डाल के, उसके बाद में आपको जो कि लोन अमाउंट डालना है, और उसके बाद में आप जो है कि यहाँ पर टेन्यू डाल देना कि आपको कितने साल के लिए चाहिए, ठीक है। लोन अमाउंट आप डाल सकते हैं आप जो कि 1,00,000 रुपये 2 साल के लिए चाहिए। आपको सिंपली आई एग्री बटन पर क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे प्रोसेस में आपके पास में यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ तक आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद में आपको रेसिडेंस ओनरशिप बताना, आप खुद का घर है तो वो बता देना, मेल सिलेक्ट कर लेना अगर आप मेल हैं तो। उसके बाद में आपको जो कि रेसिडेंस पिन कोड वगैरह यहाँ पर एंटर करके सिंपली सिटी वगैरह भी चूज कर लेना है। देन आपको जो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो लास्ट प्रोसेस है यहाँ पर मुझे यहाँ पर रुकना होगा, जो कि यहाँ पर एंटिटी प्रोप्राइटरशिप, अगर आपका जो है कि यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म में है तो इस पर क्लिक करना, अगर खुद का है तो आप जो कि इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अगर जो ट्रस्ट वगैरह में है तो आप जो इस पर क्लिक कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड अगर खुद का है तो ये इस पर आपको क्लिक करना है। बिजनेस में आपका जो खुद का, इस पर एनुअल रिसिप्ट आपको जो है कि बतानी है, आप कितना कमा सकते कमाते हैं। यहाँ पर 3 लाख से ऊपर अगर कमाते हैं तो यहाँ पर जो है बताना उनको, तो हम जो कि 4 लाख यहाँ पर बता देते हैं उनको।
प्रैक्टिस सेंस आप जो कि यहाँ से रेट सिलेक्ट कर लेना, आप जितने में प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं आप वो वाले। न्यू एसेट आपको जो खुद न्यू करवाना चाहते हैं इस पर क्लिक करना, अगर जो है कि आप यूज्ड एसेट पर क्लिक करना चाहते हैं इस पर क्लिक करना, ठीक है। रिफर्बिश्ड यानी कि रिफर्बिश्ड जो यूज़ किया हुआ माल वो रहता है, जो आप उसको लेना चाहते हैं तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। न्यू पर हम न्यू लेना चाहते हैं इस पर क्लिक करते हैं, इंडियन पर क्लिक कर देते हैं। एसेट्स मॉडल आपको क्या खरीदना है वो आप जो कि यहाँ से बता देना। एक्सरे मशीन हम खरीदना चाहते हैं, और जो कि यहाँ पर आपको एसेट मैन्युफैक्चरर आप बता देना कि आप कौन सी कंपनी का खरीदना चाहते हैं, वाइप्रो का खरीदना चाहते हैं, देन आपको जो नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको अच्छे से फिल करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। लास्ट प्रोसेस ये है कि आपको जो KYC डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा, पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कीजिए, आधार कार्ड अपलोड कीजिए, एड्रेस प्रूफ आप बताना है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड कर देना है, इनकम प्रूफ आपको जो यहाँ पर लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी है, और अदर डॉक्यूमेंट भी आपको जो यहाँ से अपलोड कर देना है, देन आपको जो है कि सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ सबमिट करने के बाद में आपके जो कि यहाँ पर बिड सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद में पुणे वाला फिनको के जो एजेंट आपको कॉल करेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर वो फिर भी आप कॉल नहीं करते तो आप जो उनको टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको जो सपोर्ट में इनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा नीचे, और जो है कि आपको वो कॉन्टेक्ट कर ही लेंगे वैसे तो। देन आप जो है कि उनसे बात करना, उनको जो भी चाहिए वो सारी की सारी प्रोसेस आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से आपको जो कि पुणे वाला फिनकॉर्प से मेडिकल इक्विपमेंट लोन लेना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जो जाना। मिलता है किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।